पड़ौत विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ हम जानेंगे जनता की राय। सर, आपका समर्थन किसे है? मैं कुछ नहीं कह सकता मेरा भाई इस बारे में। किस पार्टी को आपका समर्थन? पार्टी को आपका समर्थन किसे? समाजवादी पार्टी। कैंडिडेट कौन है सर? इस बार की सपा सरकार पास या फेल? पास है। मोदी सरकार पास या फेल? फेल है। किस वजह से? नोट की नोटबंदी होगी, कुछ लोग बाग ठप हो लिए रोजगार। आपको लगता है नोटबंदी से रोजगार खत्म हो गए? आप सर, आपका नाम? मैं हाजी जमीलुद्दीन अब्बासी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। यहाँ एक जाट मुस्लिम समीकरण बना हुआ है, उसके तहत यहाँ तमाम लोग, मुस्लिम भी, जाट भी, अदर कास्ट भी, सब जो है लोकदल को वोट दें। आपको लगता है कि लोगों को समीकरण के तहत वोट देनी चाहिए? हाँ, होना चाहिए, इससे आपकी स्वादपूर्ण वातावरण बनता है, समझे? तो इस तरीके जो है समीकरण के तहत ही वोट देनी चाहिए। आपका समर्थन रालोद? रालोद को है, रालोद। आपको लगता है अगर रालोद की सरकार आती है, रालोद के विधायक जीतते हैं, तो बड़ौत क्षेत्र का विकास होगा? हाँ, उम्मीद है, को काफी उम्मीद है, क्षेत्र में विकास करा भी और आगे भी कराने की उम्मीद। जब हम दिल्ली के चारों तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये क्षेत्र विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया है, आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मैं बीजेपी सरकार को मानता हूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार ने यहाँ का सांसद दिया है, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ अब तक सही, क्योंकि और यहाँ पर 17 साल से 18 साल से लोकदल ने भी सरकार रही है, हमने उन्हें विधायक दिए 17 साल से, कोई काम नहीं कराया। इस बार चाहते हैं हम कि विधायक बदले, समाजवादी की सरकार आए और समाजवादी का विधायक आए, क्योंकि अखिलेश ने पूरे प्रदेश में विकास किया है। हमें उम्मीद है अगर अखिलेश की सरकार आती है और यहाँ पर अखिलेश के विधायक आते हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर जरूर विकास होगा, और विकास सबका हो रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक का विकास हो रहा है समाजवादी सरकार में। हम अखिलेश के साथ हैं, आजम खान के साथ हैं। जय अखिलेश, जय आजम खान। ढाई साल पहले यहाँ से बीजेपी के सांसद चुने गए थे, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोगों से जुड़े हुए हैं या वो आकर मिले हैं? कभी मिले ही नहीं, उन्होंने कभी किसी से नहीं, कभी आते ही नहीं, दिखाई भी नहीं दी, कभी शक्ल भी नहीं दिखाई दी आज तक। हम जो यहाँ के बीजेपी के जो सांसद हैं वो सिर्फ एक ही धर्म के, यहाँ पर कभी हमारे मुस्लिम समाज में आके कभी हमसे नहीं मिले, ना उन्होंने हमने उनका कोई चेहरा देखा आज तक। ढाई साल हो गए हैं, ना कोई विकास कराया है, ना कभी हमारे बीच आए हैं वे। बड़ौत के चेयरमैन भी इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है उन्होंने कोई काम कराया या वो कोई काम करा सकते हैं? जी, आपकी बात ठीक है, हमारे चेयरमैन साहब को बीजेपी से टिकट मिला है, उन्होंने विकास भी कराया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार हम अगर गठबंधन होता है तो हम लोकदल को वोट देंगे, अगर गठबंधन नहीं होता है तो हम समाजवादी सरकार को अपना फुल बहुमत देंगे। आप लोगों का समर्थन समाजवादी सरकार? अच्छा, आपका समर्थन किसे? अखिलेश सरकार। तो मोदी सरकार नोटबंदी पर आपके अनुसार फेल हुई है? लोगों की जेब खाली करती है, लोगों की जेब से पाई खाली करा दिया है। आज लोगों के जेब में पैसा नहीं है, घर में पैसा नहीं है, काम करने के लिए पैसा नहीं है, बिल्कुल बाजार खाली पड़े हैं, बाजारों की रौनक सब कुछ खत्म हो चुका है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? इस शहर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब तक रोड नहीं बनाए, सबसे बड़ी बात है, जो दिल्ली के सबसे नज़दीक होते हुए बिल्कुल रोड खराब है, गड्ढे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है इस शहर की। NCR में सर, जैसे आप रालोद से जुड़े हुए हैं तो किसानों से जुड़ी समस्याओं को आपको लगता है कि इस बार समाधान हो जाएगा? हमें उम्मीद है कि अगर यहाँ महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो किसानों का जो गन्ना पेमेंट की हमें समस्या हमेशा रही है वो समस्या खत्म हो जाएगी। आप चाहेंगे कि सभी मुस्लिम भाई एकजुट होकर महागठबंधन को वोट दें? धन्यवाद। मैं राहुल इलेक्शन XP की तरफ से आज बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में एक छोटा सा सर्वे करते हूँ।